पैदल चल रहा है, पैदल 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 चल रहा है। भैया हाजी भैया, दो साल से इसका चुनाव रुका हुआ था, अब पार्टी का ऊपर से आदेश आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने आदेश किए थे कि चुनाव कराए जाए और चुनाव आपके सामने हो गया है। मुझे पार्टी के द्वारा हमारे सभी सीनियर पार्षद जितने भी थे सभी ने मुझे सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर बनाया है और आगे माननीय हमारे मेयर साहब आपके सामने समीप में बीच में रहते ही हैं, जो शहर के विकास के कार्य जो पहले चल रहे हैं जहाँ कोई रुकाव होगा हमारे मेयर साहब भी हैं, हमें डिप्टी मेयर बैठे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं आपके सामने, जो विकास होगा वो शहर के लिए पहले भी कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। अच्छा, आपका आपने कहा था कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या कोई पार्टी का दबाव था? देखो संगठन बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन चलता है। मैंने कहा था लड़ने के लिए मैं इच्छुक नहीं था, लेकिन संगठन का जो निर्णय होता है सबको मानना पड़ता है। माननीय हमारे तीनों महामंत्री माननीय संजय भाटिया जी सांसद करनाल महामंत्री भी हैं, हमारे वेदपाल जी एडवोकेट महामंत्री हैं, हमारे संदीप जोशी जी एडवोकेट सॉरी संदीप जोशी जी महामंत्री, और माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, और जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, हमारे मेयर साहब हैं, पूर्व मंत्री माननीय मनीष ग्रोवर जी, सभी के आशीर्वाद से संगठन ने तय किया था। जो संगठन ने तय किया मैं स्वीकार करता हूँ और आगे की रणनीति जैसे बनेगी मेयर साहब के साथ बैठ के हम डिप्टी मेयर और हम सभी बैठ के बनाएंगे।